नमस्कार दोस्तों, स्वादिष्ट व्यंजन में आपका स्वागत है। होली का त्यौहार आने वाला है। इस त्यौहार पर लोग घरों में तरह तरह के पकवान बनाते हैं। हम यहाँ पर रंग बिरंगी होली के रंगों की तरह नमकीन सेव भुजिया बनाएंगे, जो देखने में भी सुंदर है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है और बनाने में भी आसान है। तो चलिए बनाते हैं। भुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधी बीट काट कर ले लिए और पालक है जिसे हमने धो के रफली काट लिया है। यहाँ चार चम्मच हमने बड़ी चम्मच है तेल लिया है, एक बड़ी चम्मच अजवाइन लिए, हींग लिया है एक बड़ी चम्मच, दो चम्मच मिर्ची लिए है, आप जैसा तीखा खाने चाहें, और नमक स्वाद के अनुसार लिया है। सबसे पहले हम एक प्रकार का मसाला बनाएंगे। हम इसे बारीक पीस लेंगे, अजवाइन डाल ली, हींग भी डाल लेंगे और मिर्ची डाल लेंगे। अब हम इसे बारीक पीस लेते हैं। सेव बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 कप बेसन लिया है और ये जो मसाला हमने पीस लिया था इसे हम इसी बेसन में छान लेते हैं, जिससे कि इसके मिर्ची के बीज वगैरह मशीन के छेद में नहीं रुके। इसे हमने छान लिया है। इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डाल लेते हैं। अजवाइन से सेव में बहुत अच्छी खुशबू आती है और स्वादिष्ट भी बनती है, और हींग से भी बहुत स्वादिष्ट बनती है सेव। इसमें हम तेल डाल लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सेव भुजिया में ज़्यादा मोइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हल्का सा ही मोइन डालते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 3 पार्ट में कर लेंगे। बेसन के हमने 3 हिस्से कर लिए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही रख देते हैं और यहाँ पर हमने जो बीट और पालक लिया है उसे हम पीस लेते हैं। यहाँ पर हमने जो पालक लिया है 15-20 पत्ते हैं, इसे हम पीस लेते हैं। पालक में खुद में भी बहुत पानी रहता है, इसलिए हमने पानी नहीं डाला था। अगर आपको लगे तो हल्का सा पानी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच पानी डाला है। अब हम इसे फिर से पीस लेते हैं। 1 पार्ट बेसन लेकर उसका सॉफ्ट डो बना लेते हैं। पालक के पत्तों को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। इसमें रेशे रहते हैं, इसलिए हम पहले इसे छान लेंगे, वरना इसके रेशे मशीन में अटकेंगे। छानने के बाद ये वेस्टेज निकला है, इसे हम फेंक देते हैं। ये बेसन का हमने 1 हिस्सा लिया था, इसका हम डो बना लेते हैं। ये देखिए पालक का कितना अच्छा कलर आया, इससे हमारे सेव हरे रंग के बनकर तैयार होंगे। अगर आपको लगे डो टाइट है तो इसमें हल्का पानी डाल सकते हैं। अब हम इसे सॉफ्ट डो लगाकर रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब हम बीट को भी पीस लेते हैं। पालक में पानी होता है इसलिए हमने बहुत कम पानी डाला था, लेकिन बीट में पीसने के लिए पानी चाहिए। हमने यहाँ पर 2 चम्मच पानी डाला है, लगेगा तो हम और डालेंगे। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। बीट को भी हमने बारीक पीस लिया है। अब हम इसे भी छान लेते हैं। इसमें थोड़े टुकड़े हैं, अब इसे एक बार और घुमा लेते हैं मिक्सी में। ये देखिए टुकड़े रह गए। इसमें हल्का सा पानी डाल लेते हैं। हमने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। इस वेस्टेज को हम फेंक देते हैं। बेसन का जो हमने 3 पार्ट किया था, 1 पार्ट तो हमने ग्रीन कलर का कर लिया है। अब हम इसे रेड कलर का डो बनाएंगे। यहाँ पर हमने बीट का पेस्ट है, इसे हम मिला लेते हैं।
बीट सेहत के लिए हेल्दी भी होती है, हमने इसमें कोई कलर का यूज नहीं किया है। यहाँ पर हमारा बेसन थोड़ा सा नरम लग रहा है, इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल देते हैं। डो ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, ना ज़्यादा नरम होना चाहिए, जिससे मशीन से आसानी से निकल जाए। अब इसे भी हम 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। यहाँ पर जो हमारे बेसन का तीसरा पार्ट बचा हुआ है उसका भी हम डो बना लेते हैं। यहाँ इसमें थोड़ा थोड़ा सादा पानी डालकर डो बना लेंगे। ये डो भी बनकर तैयार हो गया है। इसे हमने थोड़ा सा हल्का हल्का मसल लिया था, अभी इसे हम रेस्ट के लिए रख देते हैं और तेल गरम चढ़ा देते हैं। सेव बनाने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें तेल लिया है, इसे हमने गरम करने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। यहाँ पर हमने इस प्रकार का सांचा लिया है, आपके पास जो भी प्रकार का सांचा हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ हमने सेव बनाने के लिए पतली वाली जाली ली है। तेल गरम होता है, इतने समय में हम इस सांचा को ग्रीस कर लेते हैं, इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन वाले सेव बनाएंगे, इसलिए हमने ग्रीन डो को मशीन में डाल लिया है। पर तेल भी गर्म हो गया है, इस पर हम चेक कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा गर्म हो गया है, हम अपने सेव बना लेते हैं। सेव को हमने एक बार उलट लिया है, इसके जब झाग खत्म हो जाएंगे तो इससे पता चलेगा कि सेव सिककर तैयार हो गए हैं। यहाँ पर सेव बनकर तैयार हो गए, देखिए बहुत सॉफ्ट है, इसका तेल झड़ गया है। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेते हैं। ये हमने दूसरी बार भी सेव निकाल लिए हैं, इसी प्रकार हम लाल कलर के सेव भी निकाल लेते हैं। अब हम लाल डो को भी भर लेते हैं। होली के उपलक्ष्य में ये रंग बिरंगे सेव भुजिया मेहमानों को सर्व करने में बहुत ही अच्छे लगेंगे, तो इसकी भी हम भुजिया बना लेते हैं। इसके झाग निकलने बंद हो गए हैं, अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। दोनों प्रकार की भुजिया हमने बना ली है, अब हम लास्ट में ये बेसन वाली भुजिया सेव बना लेते हैं। अब इस भुजिया को भी हम तल लेंगे। गैस फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है। इसीलिए इसे सिकने में ज्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 1-1.5 मिनट में ही ये तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम
सारे सेव को तल लेंगे। होली के रंगों की तरह रंगीन भुजिया बन गई है। इस भुजिया को एयर टाइट डब्बे में भरकर महीना भर तक रख सकते हैं। आप हमारी तरह से भुजिया को बनाइए जरूर और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में डालिए। रेसिपी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। नमस्ते।